आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे बहुत सारे देखते होंगे कि इसका चैनल वगैरह हैक हो रहा है, उसका चैनल हैक हो रहा है, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर का चैनल हैक होता है। तो आप भी अगर छोटे यूट्यूबर है तो आपका भी चैनल हैक हो सकता है। तो आपको मैं बता दूँ कि आपका चैनल हैक होने से आप बचा सकते हैं। क्या टू स्टेप वेरिफिकेशन एक सेटिंग है, उसको ऑन करना पड़ेगा। तो मैं बता दूँ कि जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप मेरा मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों जान गए हैं, तो आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, मेरे मोबाइल में टेंशन एक मैसेज आ जाएगा, क्योंकि टू स्टेप वेरिफिकेशन रहेगा। और वहाँ पे मैसेज आ जाएगा और वहाँ पे बोलेगा कि ये ऐसा कंपनी है मोबाइल, और मोबाइल का नाम बता देगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ पे सारा चीज बता देगा और बोलेगा कि ये आपका ईमेल आईडी में एंट्री कर रहा। तो हम यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद क्या होगा, ये बोलेगा कि देखिए आपका ये पासवर्ड जान गया है, आप अपना पासवर्ड चेंज करिए। तो हम वहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप लॉगिन नहीं कर पाएगा, हैक नहीं कर पाएगा, इस तरह किसी का भी हैक नहीं होगा, आपका भी चैनल हैक नहीं होगा। तो इसके टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना बहुत जरूरी है, तो लगाइए। और देखिए इसके बारे में खान सर भी कुछ बोले हैं, देखिए वीडियो शॉर्ट वीडियो दिखा देता हूँ यहाँ पे, चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। आपको गलती से मेरी ईमेल आईडी पता चल गई और मेरा पासवर्ड भी पता चल गया, तो आप खटाखट कहेंगे खान सर का चैनल है, उड़ा देते हैं। आज तो खान सर का चैनल लीक हो गया, बड़ी भाग रहे हैं, मिलियन दो मिलियन तीन मिलियन जा रहे हैं, हैक कर देते हैं, कामें खत्म। नहीं कर पाएंगे बबुआ। आपको मेरा ईमेल आईडी भी पता चल जाए और अगर आपको मेरा पासवर्ड भी पता चल जाए, तो मेरे मोबाइल में लगा हुआ है टू स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे आप मेरा ईमेल आईडी लिखिएगा और जैसे पासवर्ड लिखिएगा, तुरंत मेरे पे मैसेज आ जाएगा कि फलनवा मोबाइल में, आपका मोबाइल नंबर बता देगा कौन सा है, रेडमी है कि रियलमी है कि लैपटॉप है कि सिस्टम है, उसका कोड बता देगा, ये भी बता देगा किस जिला में है, बता देगा इस जिला से ये वाला मोबाइल आपको एंट्री मार रहा है ईमेल आईडी से, क्या आप परमिशन देते हैं? तो हम कह देंगे यस, तो आपका काम हो जाएगा। और हम यस करेंगे, हम सीधा कर देंगे नो, तो कहेगा कि आप सुनिए नो मत कीजिए, आप जो है ना वो आपका पासवर्ड जान गया, आप चेंज कर दीजिए। तो हम खटर खटर खट 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 करके चेंज कर देंगे। अब आप जानियो गए हैं तो कोने काम के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे देखिए मोबाइल स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यूट्यूब ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे जोन सा ईमेल आईडी में आपको अथी करना है, मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है, वो ईमेल आईडी आपका देखिए यहाँ पे लॉगिन रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोने में देख सकते हैं जो कि मेरा सीआरएम टेक्निकल चैनल है, इसी में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना। तो इस पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करता है, क्लिक करना है मैनेज योर गूगल अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका इस ईमेल आईडी के बारे में सारा चीज़ खुल जाता है। और भी आप वगैरह सेटिंग से कर सकते हैं, और भी मतलब दूसरा सेटिंग से, तो यहीं पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इधर स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए निशान लगा दिखा देता हूँ, इधर स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके इधर सिक्योरिटी पे आना है, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर मैं भी यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये सिक्योरिटी मतलब आपका ईमेल आईडी के बारे में यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन देखिए यहाँ पर है, सिंग आउट किया है मैंने, मतलब लगाया था लेकिन फिर मैं ऑफ कर दिया था, तो यहाँ पे मैं फिर से लगाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए आपका ये मोबाइल भी बताता है कि आपका ये ईमेल आईडी कौन सा मोबाइल में लगा है। तो यहाँ पे देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन हमको लगाना है, तो यहाँ पे देखिए दिखाता होगा, यहाँ देखिए आया टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ, तो इसे ऑन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं लिखा है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ, तो इसे ऑन करना है। ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका ये खुल जाता है क्रोम ब्राउज़र के थ्रू। यहाँ पे देखिए खुलने के बाद यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ये सारा चीज़ यहाँ पे बताता है। ठीक, अब इसको लगाने के लिए देखिए नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके आइएगा, तो राइट साइड के नीचे में देखिए कोने में यहाँ पे देखिए गेट स्टार्ट लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड मांगेगा, जो ईमेल आईडी में आप पासवर्ड सेट है वो ईमेल आईडी वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड ईमेल आईडी वाला डाल लेता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड में डाल लिया हूँ, इसे अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये सर्च होने लगा, यहाँ पे देखिए बता दिया है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया। यहाँ पे अब इसे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे इधर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसे ऑन कर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए ओटीपी एक आएगा ये नंबर पे, तो यहाँ पे मांग रहा है कि कौन सा ओटीपी में, यहाँ पे मतलब जिससे देखिए मैसेज आपका यहाँ पे ये टेक्स्ट मैसेज पे आपको क्लिक करके रखना है। यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए दो गो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फ़ोन कॉल है और टेक्स्ट मैसेज। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पे आपको रखना है क्लिक, क्योंकि क्या होगा जैसे अगर यहाँ पे कोई अगर लॉगिन करके खोलेगा तो यहाँ पे आपके मोबाइल में मैसेज आना चाहिए। ठीक,
तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पे आपको क्लिक रखना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक है, तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड पे क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे इंटर योर कोड यहाँ पे जाएगा, देखिए वो नंबर पर एक कोड जाएगा, तो यहाँ पे अभी मैसेज में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया है, इसे यहाँ पे है 10 45 81, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10 45 81 पर डालने के बाद देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए होने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रोन ऑन मतलब कर रहा है, करने ऑन कर देने। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ हो गया वेरीफाई, तो यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ऑन कर देने के बाद देखिए टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन हो गया। देखिए यहाँ पे मेरा मोबाइल में लग गया टू स्टेप वेरीफिकेशन। अब अगर यहाँ क्रोमो में भी अगर जाके यूट्यूब चैनल खोलेंगे और मोनेटाइज के वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे दिखा देगा कि मेरा चैनल मतलब मेरे चैनल में टू स्टेप वेरीफिकेशन लग गया, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। और अगर ये टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑफ भी करना है तो मतलब बंद करना है तो यहीं से देखिए बंद कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्रोम ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि वहाँ पे मेरा टू स्टेप वेरीफिकेशन लगा है या नहीं। तो चलिए सिंपली से यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में चला जाता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे अपना मतलब यूट्यूब चैनल खोलना है। यहाँ पे देखिए यूट्यूब चैनल मेरा ऑलरेडी खुला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट उस पेज पे चले जाता हूँ। यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद देखिए सिंपली से आपको वहाँ पे आना है, मतलब डेस्कटॉप साइड ऑन करके आ जाना है। यहाँ पे देखिए कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए चैनल आपका यहाँ पे खुल जाएगा क्रोम ब्राउज़र वाईटी स्टूडियो में खुलेगा क्रोम ब्राउज़र के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए खुल जाने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका चैनल मोनेटाइज के लिए मतलब क्या क्या चाहिए और कितना पूरा हुआ नहीं हुआ वो यहाँ से सारा चीज़ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा लेट लग रहा है खुलने में, नेट स्लोली चल रहा है, तो जाल ये होता है ताल। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए खुल गया है। खुल जाने के बाद यहाँ पे देखिए साइड में देख सकते हैं यहाँ पे मोनेटाइज का ऑप्शन है, तो मोनेटाइज वाले पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे मोनेटाइज वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए डॉलर का निशान है, वो मोनेटाइज का सिंबल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए मोबाइल स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, थोड़ा यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के थ्रू खुला है इसलिए थोड़ा हैंग भी कर रहा है, मतलब फ़ोन पुराना हो चुका है। यहाँ पे देखिए खोल चुका है, ये देखिए खुल चुका है। आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे टू स्टेप वेरीफिकेशन लग गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए निशान यहाँ पे लग गया, टू स्टेप वेरीफिकेशन एक्टिव मतलब चालू हो गया टू स्टेप वेरीफिकेशन। इससे पहले वहाँ पे ऑफ था लिखल क्योंकि वहाँ पे बंद था, तो अभी मैं चालू किया हूँ तो टू स्टेप वेरीफिकेशन हो गया। और मैं बता दूँ कि चैनल मेरा मोनेटाइज होने के लिए यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ पूरा हो चुका है, सिर्फ वॉइस टाइम पूरा होने वाला है। यहाँ पे देखिए टू स्टेप वेरीफिकेशन है, 0 एक्टिव है, और यहाँ पे 1000 सब्सक्राइब चाहिए, लेकिन 1280 सब्सक्राइब हो गया है। अब सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ अचीव करना है जो कि यहाँ पे देखिए 4000 वॉच टाइम रहता है, तो ये अभी 2785 पब्लिक वॉच हुआ है। तो इसको जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट करा दीजिए और चैनल को मोनेटाइज करने के बाद मेरा पहला पेमेंट आ जाएगा जो कि वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद जय भारत। और अगर कहीं समझने में या कोई दिक्कत होगा या प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।